सोनीपत लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। सोनीपत में लगभग जितने भी केस हैं कोरोना पॉजिटिव हैं, उनका ट्रैवल हिस्ट्री कहीं ना कहीं दिल्ली की रही है। सिविल सर्जन बीके राजौरा ने बताया कि आज 11 केस नए आने से सोनीपत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 118 हो गई है। इनमें से अधिकतर केस ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं। सिविल सर्जन के अनुसार एक नया केस केशवपुरम मार्केट में अकाउंटेंट का काम करने वाले शख्स का है। इसके साथ ही 10 दूसरे नए पाए गए केस पहले से ही पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के संपर्क में आए थे। फिलहाल सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उन्हें खानपुर पीजीआई रेफर करने का काम शुरू कर दिया गया है। सर, आज 11 नए केस आए हैं, क्या ट्रैवल हिस्ट्री है और कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, आज जो 11 नए मामले आए हैं, इसका इनको मिला के जो हमारा सोनीपत का आंकड़ा वो 118 का हो गया है। और जो 11 केसेज हैं उनमें से 10 केसेज तो ऐसे ही हैं जो प्रीवियस जो पॉजिटिव केस आए हैं उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। कहाँ के रहने वाले सर ये? जैसे मीमारपुर के हैं, जैनपुर के हैं, TDI सिटी के हैं, ठीक है। और एक केस वही जो है वो सब्जी मंडी का है, जो आज़ादपुर सब्जी मंडी में वहाँ पर अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। केशवपुर वहाँ पर, सर आज़ादपुर मंडी में काम करता है सोनीपत? यार नहीं, केशवपुरम सब्जी मंडी। भारत 9 के लिए सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट।